जितने भी लोग थे जो मुझे बोलते थे दिल भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाना कि हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं, हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन भाइयों वाला मशवरा मैं ये दूंगा कि इसको स्टार्ट ना करें क्योंकि ये बहुत एक गंदा कुआं है जिसमें आप अंदर जाते रहेंगे और अपने आप से नफरत आप करते रहेंगे। जिस तरह मेरे पास कभी कभार दिल नहीं जाता वीडियो बनाने का, और डेली व्लॉगिंग तो होती है कि आपको डेली कुछ ना कुछ दिखाना है, कभी कभार होता है इंसान का दिल नहीं चाहता लेकिन फिर भी आपको अपने दिल को मारते हुए सब कुछ दिखाना पड़ता है, तो ये वजह है कि मुझे पसंद नहीं है व्लॉगिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो इज नॉट अ ब्लॉग, इज जस्ट अ वीडियो, चूंकि मैं काफी अरसे से बनाना चाह रहा था। और सीन कुछ ऐसा है कि मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं कि अदील भाई हमें भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, आप बताएं क्या हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए और किस टॉपिक पे हम लोग स्टिक रहें, उसी पे हम आगे ग्रो करें। तो यार टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम मुझसे पूछोगे, मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे, तो ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, डू नॉट स्टार्ट ब्लॉगिंग, जो कि इस वीडियो का टाइटल है। वजूहात कई ज्यादा हैं, काफी हैं कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो शायद ये वीडियो 20 से 25 मिनट की वीडियो बने। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने फेसबुक पे तकरीबन 2 या 2.5 साल ब्लॉगिंग की है और मेरे 20 से 22 हजार फॉलोवर थे फेसबुक पे, बहुत मुश्किल से हुए थे वो। उसके बाद मेरी एक रिएक्शन वीडियो वायरल हुई और उसी वीडियो की वजह से विद इन 18 आवर्स मेरे 35,000 फॉलोअर आए और अब मेरे फेसबुक पेज पे अराउंड 70,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। और अभी भी मैं व्लॉगिंग नहीं करता हूं, मैं उस पर क्रिकेट की वीडियोस बनाता हूं, उस पर मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूं, ब्लॉगिंग मैं करता हूं यूट्यूब चैनल पे। अगर यूट्यूब चैनल की मेरी बात करें तो 2 से 2.5 साल इसके साथ भी मेरे साथ ये था कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे। फिर अभी रिसेंटली बकरीद में मेरे दोस्त ने बोला कि यार तुम डेली ब्लॉगिंग करो और गाय की करो क्योंकि गाय का सीजन बहुत आला होता है और बहुत से लोगों को रीच मिलती है। तो मैंने स्टार्ट की, मुझे गाय का लगन भी था, शौक भी था, गाय से बहुत मोहब्बत भी थी। वीडियो बनाते बनाते अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 5 महीने के अंदर ही अंदर अल्लाह पाक के करम से, मेरी मेहनत से और आपकी मोहब्बत से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो जो 2.5 साल मैंने एफर्ट मारी थी वो जाया थी क्योंकि मुझे अपनी कैटेगरी नहीं पता थी, और 5 महीने के अंदर अंदर आप देख लो कि 8,000 सब्सक्राइबर तकरीबन मैंने गेन कर ली है और वीडियोस सारी जिंदगी रेवेन्यू और सब्सक्राइबर लाती रहेंगी। लेकिन जो खास वजह है ना जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि डू नॉट स्टार्ट ब्लॉगिंग, वो ये है कि पाकिस्तान में रेवेन्यू बहुत कम है। मेरे जो $100 बने वो जाके 12-13 लाख व्यूज पे जाके इतने डॉलर बने, और अगर एक आम इंसान की पूछोगे ना कि यार क्या तुम्हारे चैनल पे इतने व्यूज आ जाते हैं तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि हर कोई व्यूज ऐसे नहीं ले सकता जैसे कि बाकी लोग ले रहे हैं, जैसे कि बाकी लोग वायरल हो रहे हैं या कुछ तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत करी थी इस $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट करने में, वो भी 12-13 लाख व्यूज जाके अब मुझे पहली पेमेंट मिली है। और जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं कर लो, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बेहतरीन हल दे रहा हूं कि व्लॉगिंग की फील्ड को मत चूज करो, इसमें रेवेन्यू भी कम बनता है, इसमें सब्सक्राइबर रेशियो भी कम है, इसमें ज्यादातर 90% ब्लॉगर वायरल भी नहीं होते, सिर्फ 10% है जो वायरल है, जिनकी वीडियोस कुछ भी वो दिखा दें वो वायरल उनकी वीडियोस जाती हैं। तो व्लॉगिंग का जो ये रेशियो है ना, मैं बोलूंगी ये ब्लॉगिंग की जो नीश है ये बहुत ही गंदी नीश है, इसमें ना पैसे बनते हैं ना इसमें आपकी फेस वैल्यू बनती है, इसमें सिर्फ लोगों को मस्तियां चाहिए होती हैं। अगर आप मस्ती करवा सकते हो हर दिन तो आप ब्लॉगिंग कर लो। मुझसे पूछोगे जैसे मेरी जो नीश है ब्लॉगिंग की ना, वो ये है कि मैं कैटल ब्लॉगिंग करता हूँ, फार्म दिखाता हूँ, कभी कभार मंडियां दिखा देता हूँ और ज्यादातर बकरीद कवर करता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी रीच मिल जाती है बकरीद में। उसके अलावा कोई हर्डल हो जाती है, कोई बहुत मुश्किल से कभी कभार व्यूज आते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि डू नॉट स्टार्ट ब्लॉगिंग, इससे बेहतर है कि कोई और ऑप्शन कर लो, कोई टैग वीडियोस का चैनल खोल लो, कोई भी जैसे रिएक्शन वीडियोस का चैनल खोल लो, वो काफी चल जाते हैं। ब्लॉगिंग का मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल है ना, इसमें रेवेन्यू अच्छा आता है, इसमें बहुत एफर्ट चाहिए होती है, लोगों को फेस करना होता है, कैमरा फेस करना होता है, फिर लोग आपको आवाजें कसते हैं। आवाजें किस तरह कसते हैं, जैसे मैं, मेरा नाम अदील है, सही है, मेरे जितने भी दोस्त हैं अक्सर वो मुझे रोज रास्ते में मिलते हैं तो वो मुझे व्लॉगर के नाम से आवाज देते हैं, उनको पता है कि मेरा नाम अदील है लेकिन वो मुझे व्लॉगर के नाम से आवाज देते हैं, विच इज अ डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक
मेरे वालदेन के दिमाग में डाला कि इसका ये नाम रखो, और उन्होंने इतना प्यारा नाम रखा, लेकिन उन्होंने उस नाम छोड़ के, उस नाम को इग्नोर करके मुझे व्लॉगर बुलाते हैं, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है, दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट जब कोई आपके अपने नाम को छोड़ के आपको व्लॉगर के नाम से बुलाए। और व्लॉगर नाम को बुलाने का मुझे मकसद समझ में आता नहीं है। अगर फर्ज करो कि कल को मैं कोई सब्जी बेच रहा होता, ठीक है, तो तुम मुझे सब्जी वाले के नाम से बुलाते, नहीं ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाते। तो ये चीजें हैं जो कि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी, जब लोग आप पे आवाजी कसेंगे, आपके अपने आप लोगों पे हंसेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आदिल सही कह रहा था कि डू नॉट स्टार्ट ब्लॉगिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और जितने भी लोग थे जो मुझे बोलते थे आदिल भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, कि हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं, हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करें ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन भाइयों वाला मशवरा मैं ये दूंगा कि इसको स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत एक गंदा कुआं है जिसमें आप अंदर जाते रहेंगे और अपने आप से नफरत आप करते रहेंगे। जिस तरह मेरे पास कभी कभार दिल नहीं जाता वीडियो बनाने का, और डेली व्लॉगिंग तो होती है कि आपको डेली कुछ ना कुछ दिखाना है, कभी कभार होता है इंसान का दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको अपने दिल को मारते हुए सबको दिखाना पड़ता है। तो ये वजह है कि मुझे पसंद नहीं है व्लॉगिंग, और मैं शायद आई डोंट नो बहुत जल्दी क्विट कर दूं या फिर दूसरा रास्ता कोई इख्तियार कर लूं, क्योंकि मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा है इस फील्ड में। व्यूज सब कुछ नहीं होते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी होती है, जिस तरह के आसपास आपके लोग हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।